हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे और आपके इस प्यारे चैनल फिजिक्स चैम्पियनशिप पर। स्टूडेंट्स, कल हमने कॉनकेव मिरर के लिए मिरर फार्मूला का डेरिवेशन किया था। आज हम कॉन्वेक्स मिरर के लिए मिरर फार्मूला का डेरिवेशन करेंगे। मैंने वीडियो के लास्ट में आपको होमवर्क में दिया था, तो आइए देखते हैं कि कैसे कॉन्वेक्स मिरर के लिए हम मिरर फार्मूला का डेरिवेशन करते हैं। तो ध्यान दें कि सबसे पहले क्या करते हैं, मैं यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर बनाते हैं। दिस इज कॉन्वेक्स मिरर, दिस इज पोल, फोकस एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। आप जानते हो ये डिस्टेंस पोल से फोकस के बीच की डिस्टेंस फोकल लेंथ, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक के बीच की रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहां पर एक ऑब्जेक्ट लेंगे, मान लो उसका नाम ए बी है। तो हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू रूल्स ये जो रे है उसको हम पैरेलल लेके जाएंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके जाएंगे, तो हमें ऐसा लगेगा कि ये फोकस से आ रही है। ओके, और दूसरी रे हम क्या करते हैं, यहां से हम सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ लेके जाते हैं। तो हम पर मिलेगा कि यहाँ पर एक इमेज बनेगी जिसका नाम हम ए डैश बी डैश रखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इस लाइन को हम सीधा यहाँ जोड़ देते हैं। इस पॉइंट का नाम मान लो हम इसको हम पी डैश रख देते हैं, इसका नाम हमने रख दिया एन। ठीक है, तो ये हमारी इमेज फॉर्मेशन होगी और हम जानते हैं कि ये हमारा ई होगा यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, हाँ, तो क्या ध्यान देना है, मैं देखो कि ये जो डिस्टेंस है ये हमारी यू होगा यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब हमें क्या देखना है कि अगर ये अपर्चर बहुत छोटा है, मतलब ये जो इसका जो अपर्चर है वो बहुत छोटा है, तो ये पी डैश और ये पी दोनों लगभग एक ही पॉइंट पर होंगे, मतलब ये दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज होंगे। मतलब जो पी डैश है वो टेंड्स टू क्या होगा, पी, यानी पी डैश एंड पी आर वेरी क्लोज। कब, व्हेन दिस अपर्चर इज वेरी स्मॉल। और हम जो भी अभी डेरिवेशन करेंगे उसमें हम मान के चलेंगे कि उसका अपर्चर बहुत ही छोटा है। ठीक है, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम ट्रायंगल देखो, एक आपको दिख रहा होगा कि ट्रायंगल ए बी सी, ये ट्रायंगल ये, और दूसरा हम ट्रायंगल ले लेते हैं बच्चों इसी के साथ ए डैश बी डैश सी। तो मैं क्या लिखूंगा बच्चों, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी क्या मिलेगा इस ट्राइंगल से, आप देखो ध्यान से कि ये एंगल 90, ये एंगल 90 और ये एंगल दोनों में कॉमन। देखो इस ट्राइंगल के अंदर भी ये है और इस ट्राइंगल के अंदर भी ये एंगल है, तो ये एंगल कॉमन हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, एंगल ए बी ए सी बराबर एंगल बी डैश ए डैश सी। ओके, क्यों, इच 90, दोनों परपेंडिकुलर हैं उस रे पर, प्रिंसिपल एक्सिस पर, और एंगल ए सी बी बराबर है एंगल ए डैश सी बी डैश। ध्यान से देखो, एंगल इस ट्राइंगल बड़े ट्राइंगल के लिए ए सी बी बराबर होगा एंगल ए डैश सी बी डैश। ओके, क्यों बराबर है, ध्यान से देखो, तो हम लिखेंगे ये कॉमन एंगल है दोनों में है, तो ये कॉमन एंगल हो गया। ठीक है, अब आपको पता, मैंने कल ये बात बताई थी कि जब तो ट्रायंगल के दो एंगल बराबर हो तो दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। तो ध्यान से देखेंगे आप, इस ट्रायंगल का ये एंगल, इस ट्रायंगल का ये एंगल बराबर है और ये एंगल कॉमन है, तो तीसरा एंगल यानी ये जो एंगल होगा ये अपने आप एक दूसरे के बराबर होंगे, मतलब दोनों ट्रायंगल एक दूसरे कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। तो मैं क्या लिखूंगा, इसलिए ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी के। ओके, अब कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे हम, बाई एंगल 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 सिमिलरिटी, एंगल एंगल सिमिलरिटी, दोनों में कौन सी प्रॉपर्टी लगी बच्चों, एंगल एंगल सिमिलरिटी। फिर हम क्या जानते हैं कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल होता है। करस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो मतलब जो एंगल बराबर है उनके सामने की साइड्स ले लेंगे और उनको ही हम रेशियो निकालेंगे, तो वो बराबर होना चाहिए।
जैसे देखो ये एंगल बराबर है तो इस एंगल के सामने एक ये साइड है और इसी एंगल के सामने ये साइड है बड़े ट्राइंगल में, तो इसके अपॉन ये बराबर आ जाएगा, वो बराबर किसके होगा, इस AC अपॉन AC के। तो मैं क्या लिखूंगा बच्चों, AB अपॉन AB डैश बराबर, पूरा हम लेंगे बड़े ट्राइंगल का AC और छोटे ट्राइंगल का AC, ठीक है। इसे हम बना देंगे बच्चों इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आई होप आपको यहां तक पूरी बात समझ में आई होगी, कुछ खास नहीं करना आपको, एक बार ये ट्रायंगल लेना है, फिर ये ट्रायंगल लेना है, एक बार इन दोनों को हमें सिमिलर करना है, सिमिलर करने के बाद हमें पता लग जाएगा कि दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के इसके एंगल्स बराबर, इसलिए एक दोनों की सिमिलरिटी लगाएंगे, AA सिमिलरिटी, और उसके बाद हम जानते हैं जो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं उनकी साइड का रेशियो इक्वल होता है। मतलब इतना सारा सॉल्व करने के बाद हमें काम की मिली, वो ये क्वेश्चन मिली जो काम की हमारी, ठीक है। इसे याद रखना है, AB अपॉन AB डैश बराबर AC अपॉन AC, ठीक है। मैं इसको यहां नोट कर लेता हूं, AB अपॉन AB बराबर क्या लिखेंगे हम, AC अपॉन AC, ठीक है। अब हम आगे कहने को बढ़ाएंगे, उससे पहले हमें ये रिलीज करना पड़ेगा, तो आप सभी लोग वीडियो पॉज करके इसे नोट कर लें, ठीक है। पॉज करके आप नोट करेंगे इसको, हमें क्या मिला अभी इस कहानी में, ये हमें इक्वेशन मिली, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब हम क्या करेंगे, एक बार हम ये ट्राइंगल ले लेंगे, मैं इसको थोड़ा आप डार्क कर रहा हूं, आपको बनाना तो डॉटेड बनाएंगे, ये ट्राइंगल लेंगे बच्चों और एक बार ये ट्राइंगल लेंगे, ठीक है। कौन सा ट्राइंगल लेंगे, पी डैश एंड एफ ए डैश बी डैश एफ, क्लियर है। तो हम लिखेंगे नाउ इन ट्राइंगल पी डैश एंड एफ एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ, क्लियर है। अब देखो ये बहुत छोटा होगा तो ये लगभग 90 सिमिलर होगा, तुम क्या लिखेंगे यहां पर कि एंगल एन पी एफ जो हमारा बराबर होगा एंगल बी डैश ए डैश एफ, क्लियर है। दूसरा एंगल, और दूसरा जो बच्चों होगा वो हमारा होगा एंगल एन, मैं ऐसे लेते हैं इसको एन एफ पी, यानी एंगल एन एफ पी बराबर होगा बच्चों एंगल बी डैश एफ ए डैश, एंगल बी डैश एफ ए डैश, क्लियर है। यानी ये एंगल हमारा दोनों में कॉमन होगा, तो एन पी इस बड़े ट्राइंगल में एन एफ पी और छोटे ट्राइंगल में बी डैश एफ ए डैश, और यहाँ एन एफ पी डैश है, क्लियर है। अब देखो फिर से वही बात है, दो एंगल बराबर है, ये एंगल कॉमन दोनों ट्राइंगल्स में, ये 90 के आसपास, तो हम क्या लिखेंगे बच्चों कि ट्राइंगल, इसलिए कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल हमारा पी डैश एन एफ सिमिलर होगा ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ के बाई, इसके सामने हम क्या लिखेंगे बाई ए ए सिमिलरिटी, ए ए सिमिलरिटी, क्लियर है। ए ए सिमिलरिटी क्लियर नहीं दिखा तो मैं बोल रहा हूँ भाई, ए ए सिमिलरिटी लिखना है आपको यहाँ पर। अब फिर से वही बात, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो नीचे करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, मतलब इस साइड इस ये जो हमारा इक्वल एंगल, इसके सामने ये, इसके अपॉन ये और इसके अपॉन ये, बड़े ट्राइंगल की ये साइड, छोटे ट्राइंगल की ये साइड, इस बड़े ट्राइंगल की पूरी साइड, छोटे ट्राइंगल की ये साइड। तो मैं क्या लिखूंगा बच्चों, ध्यान से देखो कि एन पी अपॉन बी डैश ए डैश बराबर, यहां क्या लिखूंगा बच्चों मैं, पी डैश एफ अपॉन ए डैश एफ, पी डैश अपॉन ए डैश एफ, क्लियर है। अब देखो ध्यान से, अगर ये पी डैश, मैंने आपको पहले बताया कि पी डैश बहुत ही छोटा होने पर क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज होंगे, क्लोज होंगे मतलब पी डैश किसके बराबर होगा, पी के। अगर ऐसा कंडीशन होगा तो मतलब पी डैश और पी ए की जगह होंगे, मतलब जो जितना पी एफ होगा उतना ही पी डैश ऑफ एफ होगा। तो मैं क्या लिखूंगा, इफ अपर्चर इज वेरी स्मॉल, इफ अपर्चर इज स्मॉल देन पी डैश एफ इक्वल टू पी डैश पी एफ एंड पी डैश
सी इक्वल टू पी सी, यानी जो भी डिस्टेंस हम यहां से नाप देंगे उसे हम पी से कंसिडर कर लेंगे, क्योंकि दोनों एक ही पॉइंट होंगे। अगर अपर्चर बहुत छोटा होगा तो ये लगभग सीधा होगा, लगभग सीधा होगा तो इसकी लाइन भी ये सीधी खींचेगी और ये एक ही पॉइंट पर लाई करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या मानूंगा, पी डैश एफ बराबर है पी एफ के, और पी डैश सी जो है वो किसके बराबर है पी सी के, ऐसे पी डैश ए किसके बराबर हो जाएगा पी ए के। क्लियर है? चलिए यहां तक लिखने के बाद हम आगे देखते हैं अब इसको क्या चेंज लेके आएंगे। आप इसको नोट कर लें पॉज करके, क्या चेंज आएंगे आप ध्यान से देखो। जो हमने लिखा था एनपी अपॉन बी डैश ए डैश, हमने क्या लिखा था एनपी अपॉन बी डैश ए डैश, तो मैं यहां पे लिख देता हूं एनपी। देखो ये एनपी लगभग किसके बराबर होगा बच्चों, बीए के, तो मैं एनपी को क्या लिख दूंगा बच्चों, यदि छोटा होगा तो मैं पहले लिख देता हूं उसको एनपी डैश इक्वल टू किसके होगा बच्चों ए बी के, तो मैं क्या लिख दूंगा ए बी एनपी पर मैं क्या लिख दूंगा ए बी अपॉन बी डैश ए डैश इक्वल टू, यहां मैंने क्या लिखा था बच्चों पी डैश एफ अपॉन ए डैश एफ। पी डैश एफ कितना है हमारा बच्चों पी एफ के बराबर है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा पी एफ अपॉन ए डैश एफ को क्या लिखूंगा बच्चों ए डैश एफ। क्लियर है? अब ध्यान दो यहां पर, ये हमारी होगी इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। आपको दिखाई देगा कि दोनों का एलएचएस बराबर है, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या हमारा आरएचएस भी बराबर हो जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आरएचएस ए सी अपॉन ए डैश सी बराबर बच्चों की पीएफ कितना है हमारा पी एफ अपॉन ए डैश एफ। ठीक है, अब बस हो गया, हमें अब कुछ नहीं करना, इन सब की हमें वैल्यूज रखनी है। तो देखो ए सी कैसे वैल्यू रखनी है, बस वो हमें वैल्यू रखने हमें हमारा मिरर फॉर्मूला मिल जाएगा। तो बच्चों आगे कैसे करेंगे हम, ध्यान दें आप कि एसी को मैं क्या लिखूं, आप एसी को मैंने कहा था कि सबको मैं पुटिंग वैल्यू विद साइन, पुटिंग वैल्यूज विद साइन, तो एसी कितना है, देखो ध्यान से एसी ये पूरा यहां से आता, एसी में ये तो देखो माइनस का है और पीसी ये इन दोनों का सम है ना, तो ये तो माइनस का और ये प्लस का, तो मैं क्या लिखूंगा यू माइनस का, यानी माइनस का यू, और ये डिस्टेंस क्या देखो आर है क्या, तो प्लस का आर, मैं ऐसे ऐसे आर माइनस यू ले सकता हूं, आर प्लस का यू माइनस का। ओके, फिर ए डैश सी, अब ए डैश सी कहां से, यहां से यहां तक है। अब ए डैश सी को बड़े ध्यान से देखो आप, क्या ये पूरा आर है, आर में से हमें कितना निकालना चाहिए था इतना, ये डिस्टेंस कितनी है, क्या ये डिस्टेंस यहां पर इमेज बनी थी तो क्या ये वी होगी, क्या समझ में आया आपको, इमेज डिस्टेंस पोल से लेके ये वाली डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस, तो ये पूरा हमारा हमें चाहिए क्या ए डैश सी, हमारे पास ए डैश सी, तो ध्यान से देखो ए डैश सी इतना है, ये पूरा आर था, आर में से ये निकाल दो तो क्या ये ए डैश सी बचेगा, तो हम क्या लिखेंगे आर माइनस वी, तो दिस इज द ए डैश सी आ गया, आर माइनस का वी, क्या ये बचा ए डैश सी इक्वल टू, अब ध्यान देना कोई आप क्या ये माइनस का आएगा प्लस का आएगा, तो मैं क्या पता चलेगा ये माइनस का आएगा, क्यों माइनस का आएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस ही पॉजिटिव और ये डिस्टेंस ही पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव थी पर हम क्या करेंगे हमें इतना चाहिए तो इसलिए हमने इसको माइनस कर दिया। अब इधर देखो पीएफ, पीएफ की बात करें तो पीएफ मतलब पी डैश एफ और पीएफ ए की बात है, पीएफ क्या हमारा फोकल लेंथ है, तुम क्या लिख देंगे यहां पर फोकल लेंथ यानी एफ। क्लियर है? और फिर बचता है हमारा ए डैश एफ, अब ए डैश एफ क्या है, देखो ए डैश एफ केवल इतना डिस्टेंस है, तो ए डैश एफ मतलब ये डिस्टेंस पूरा एफ और ये निकालना पड़ेगा, तो एफ माइनस वी यानी एफ माइनस वी, क्या ये बचा। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे हम, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने में हमें क्या मिलेगा बच्चों, ध्यान से देखो, क्या मैं आर को 2f ले सकता हूं, मैं पहले ही प्रूफ कर चुका हूं आर इक्वल टू 2f, तो मैं क्या लिखूंगा बच्चों 2f माइनस यू अपॉन 2f माइनस वी। ठीक है,
2f minus u upon 2f minus v equal to f upon f minus v. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो f into f यानी 2f square minus uf, इसका करेंगे तो माइनस का 2vf और इसका इसमें करेंगे तो प्लस का uv. ध्यान से लिखेंगे अब सारे साइन से, f into 2f 2f square, f into minus u minus uf, माइनस इंटू इसका करेंगे अब तो माइनस टू वी एफ माइनस वी प्लस माइनस, देखो माइनस माइनस प्लस यू वी. ठीक है, अब इसके इक्वल वाला करेंगे आप तो एफ इंटू एफ यानी टू एफ स्क्वेयर. ठीक है, एफ इंटू वी माइनस का वी एफ ये आएगा. ठीक है, अब देखो ध्यान से, इधर भी टू एफ स्क्वेयर और इधर भी टू एफ स्क्वेयर, तो ये टू एफ स्क्वेयर से टू एफ स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, हमारे पास क्या बचेगा बच्चों, माइनस का यू एफ माइनस का टू वी एफ प्लस का यू वी बराबर माइनस का वी एफ. क्या ये बचेगा हमारे पास? मैं क्या करूंगा, इसको माइनस का यू एफ प्लस का यू वी इक्वल टू, अब ये माइनस का टू वी एफ में उधर लेके जाऊंगा तो माइनस का दो जाके क्या हो जाएगा, टू वी एफ माइनस का वी एफ. क्लियर है? अब देखो ध्यान से आगे क्या लिखने वाला हूं मैं, यहां तक नोट कर लें आप पॉज करके वीडियो को. अब देखो ध्यान से, माइनस यू एफ प्लस यू वी प्लस टू वी एफ, देखो तो माइनस का यू एफ प्लस का यू वी इक्वल टू क्या बचेगा यहां पर, वी एफ. क्लियर है बात? अब फिर से भाई कहा डिवाइडिंग या ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय यू वी एफ. तो ध्यान से देखो, जब मैं डिवाइड करूंगा तो ये क्या हमारे पास UVF है, UF है. तो यहां ध्यान से देखो UF, अब इसका डिवाइड करोगे तो UF से UF कैंसिल, तो क्या बचेगा यहां पर बच्चों, वन अपॉन वी. किसका बचेगा वो, माइनस का प्लस. अब UV से UV कैंसिल कट जाएगा तो क्या जाएगा, वन अपॉन एफ भाई, UV से UV कैंसिल डिवाइड करेंगे तब ये इसके नीचे आएगा, UV से UV कट जाएगा तो वन अपॉन एफ बचेगा, बराबर VF से VF कट जाएगा बच्चों क्या बचेगा, वन अपॉन यू. अब ध्यान से देखो मैं क्या लिखूंगा, वन अपॉन एफ इसको मैं उधर लेके जाऊंगा तो किसका जाएगा, ये प्लस का प्लस वन अपॉन यू. ओके, तो दिस इज द मिरर फॉर्मूला फॉर कॉन्वेक्स मिरर. क्या है, सेम एक्सप्रेशन हमारा कॉनकेव मिरर के लिए भी आया था, सेम चीज है, सेम फॉर्मूला है. कैसे डेरिवेशन करना है मैं फिर से आपको शॉर्ट में बताता हूं. सबसे पहले इस ट्राइंगल को लो और इसके साथ इस ट्राइंगल को लो, सॉरी इस ट्राइंगल को लो और इसके साथ इस ट्राइंगल को लो, दोनों को सिमिलर करो, इसके अपॉन ये आ जाएगा और इस पूरे के अपॉन ये आ जाएगा. उसके बाद हमें एक्सप्रेशन मिलेगा ए बी अपॉन ए डैश बी डैश और ए सी अपॉन ए डैश सी. फिर हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल को लेंगे, बड़े ट्राइंगल को, एनपीएफ को और बी डैश ए डैश एफ को, इसमें ये दोनों 90 को और ये हमारे कॉमन एंगल हो जाएगा. तो हमारे फिर से दोनों ट्राइंगल सिमिलर, ए सिमिलरिटी से फिर से हम क्या करेंगे, एनपी अपॉन ये बी डैश ए डैश और पी डैश एफ इक्वल टू ए डैश एफ. फिर मैंने क्या किया, साइन के साथ सबकी वैल्यू रख दी, मैंने इसकी ए बी की लुक दी, मान लो क्या रखा मैंने आर, टोटल डिस्टेंस यहां तक आर और ये माइनस का यू, तो मैंने आर माइनस यू लिखा था. फिर नीचे मैंने क्या किया था, ए बी ए डैश बी डैश की रखनी थी मेरे को, तो इसकी जगह मैंने क्या रखना था, ये वाला, तो मैंने क्या रखा, वी माइ आर माइनस वी, आर माइनस वी ये वाली डिस्टेंस आ गई. उसके बाद फिर मैंने क्या क्या रखना था मेरे को, ये डिस्टेंस रखनी थी, ये वाली फोकल लेंथ, ये डिस्टेंस यहां से पी एफ आया था, तो पी एफ जगह मैंने क्या रखा था, एफ. फिर मैंने को क्या चाहिए था, एफ माइनस बी माइनस एफ माइनस बी, तो मैंने उनको रखा और सारी वैल्यू मैंने पहले क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फिर उसको सॉल्व करके हमारा फाइनली आंसर ये आ गया. दैट इज द मिरर फॉर्मूला फॉर कॉन्वेक्स मिरर. आई होप आप इसको समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हुआ आज तो उसके लिए सॉरी. फिर भी आपको अगर कोई कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका सॉल्यूशन जरूर देंगे. तब तक के लिए पढ़ते रहिए, थैंक यू.